टू माई चैनल वे टू स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आंगनबाड़ी की तरफ से यहाँ पे नई भर्ती आई हुई है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती नई भर्ती 2022, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से नई भर्ती निकल के आ रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर वर्कर हेल्पर और टीचर की वैकेंसी है। योग्यता 8वीं 10वीं और 12वीं पास की वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो क्या 18 से 40 इसमें एज लिमिट मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम टोटल वैकेंसी की बात बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस साल उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी पदों के लिए 53,000 यहाँ पे रिक्तियाँ हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टोटल 53,000 रिक्तियाँ उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। तो सिंपली इसके बाद हम दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंगनवाड़ी भर्ती 2022 की आयु सीमा कितनी होगी, आंगनवाड़ी भर्ती 2022 की शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2022 की पद विवरण यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वेतन देखेंगे, यहाँ चयन प्रक्रिया किस प्रकार यहाँ पर चयन प्रक्रिया की जाएगी A to Z इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये UP आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा है जो कि विभाग का नाम है महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता और सहायिका का ये रिक्तियाँ निकली हुई है। इसमें देखिए मांगा गया है जो टोटल वैकेंसी है 50,000+ वैकेंसियाँ इसमें है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोगों के लिए ये जॉब है जो कि ये ऑनलाइन करने की जो तरीका है यह ऑनलाइन जो पेपर होगा वो ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल होगा। इसके बाद शुरुआत की तिथि अभी जल्दी घोषित की जाएगी। यहाँ पे फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं किया गया, जल्दी इसकी घोषित की जाए, अंतिम तिथि भी जल्दी घोषित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख पा रहे हो www.bal-vikas-up.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आयु सीमा यहाँ न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष दिया गया, अधिकतम आयु जो दिया गया है 45 वर्ष दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया गया UP आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जो न्यूनतम आयु है 21 साल है, अधिकतम जो आयु है 50 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा यहाँ 45 वर्ष दिया गया है। इसके बाद यहाँ शैक्षणिक योग्यता दिया गया है आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जो शैक्षणिक जो योग्यता है इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका के लिए उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने और न्यूनतम 5वीं कक्षा जो होता है वो पास होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। पर्यटक के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर दिया गया है कि पद विवरण यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 50,000+ पोस्ट यहाँ पे रिक्तियाँ हैं। पोस्ट 50,000+ पोस्ट यहाँ पे दी गई है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी सहायिका के यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट ऑफिसर, आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस ऑफिसर। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे वेतन की बात की गई है तो इसमें वेतन सिंपली दी जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के लिए वेतन मांग महिला सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे 20,000 दी जाएगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 4,000 से 8,000 दी जाएगी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 3,000 से 6,000 रुपये दी जाएगी, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 4,000 से 6,000 रुपये दी जाएगी। आंगनवाड़ी भर्ती 2022 की चयन प्रक्रिया देखिए इसमें दिया गया है कि आपकी मेरिट के आधार पर ली जाएगी। यहाँ पर दिया गया है कि मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसी के आधार पर आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको यहाँ पर भर्ती की जाएगी। सिंपली आपकी यहाँ पे 12th की मेरिट देखी जाएगी, उसके आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के लिए आवेदन शुल्क, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन। तो आवेदन के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2022 में आवेदन शुल्क के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी का इंतजार करना होगा। अभी देखिए अभी कुछ ही दिनों बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा, उसके बाद खुद यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि OBC के लिए SC ST PWD के लिए वैकेंसी निकली हुई है, उत्तर प्रदेश का वैकेंसी है। तो यहाँ पे
महिलाओं के दस्तावेज के बारे में बात करें, जरूरी जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करें तो महिलाओं का आधार कार्ड लगेगा, 10वीं का मार्कशीट, विवाह पंजीकरण, बैंक डायरी लगेगा, परिचय पत्र, जन आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड, इसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है सिंपली साइबर पे, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।